नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आज और मैं हूं राशि। ग्वालियर के भीतरबार थाना इलाके के बरुआ गांव में हथियार बंद लोगों ने एक किसान को गोली मार दी। पुष्पेंद्र रावत सुबह अपने गन्ने के खेत में काम कर रहा था, तभी आरोपी उसे गोली मार कर फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक पहले भी गांव के आसपास संदिग्ध लोगों को देखा जा चुका है, जिसकी जानकारी पुलिस को भी है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल किसान पुष्पेंद्र रावत का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। मैं तो गन्ना बोल बंद के लिए गया इधर, और ये तब मुझे पता नहीं पड़ा कभी गोली लगी है। मुझे भर्ती हुई थी घर में, तब घर आया तब घर के वाले ने देखा मेरा, तब क्या कहते खून निकल रहा था, तब बहुत ज़्यादा। मैं तो लाइट हमारी इधर 6 बजे चली जाती है, वैसे 5:30 बजे का टाइम हुआ था। मैं गन्ना बोल बंदाने के लिए गया, तभी मार किसी ने। और भी घटना हो चुकी है गाँव में? गाँव में पहले भी एक दो हमारे परिवार में ही काका जी हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करी बहुत जाना, फिर पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने भी घेरा भी डाला, घेरा डाले कि फिर पता नहीं है निकल गई थी कि गन्ने में। कितने पता है कितने देखे थे, कितने लोग देखे आया था पहले? 2-3 दिन पहले तो कहा दो लोग दिखाने थे हमारे चाचा जी को, दो लोग दिखाने थे। फिर गाँव में आओ, गाँव में उन्होंने कही कहा कहते बढ़िया आ गए वो पकड़ लगे उन्होंने, फिर कहा गाँव वाले गए, पुलिस भी आ गई थी। पुष्पेंद्र रावत, ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज आज के साथ।